जो जल जीवन मिशन है, इसकी योजनाएं अभी कुछ गांव जिन गांव में संचालित हो रही हैं वहां पर अभी पूर्ण नहीं हुई हैं। पूर्ण होने की प्रक्रिया ये अपनाई गई है कि जो अपने पीएचई के उपयंत्री हैं उनके साथ साथ जो हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास के उपयंत्री हैं उनकी संयुक्त विजिट होती है। उसके बाद एक फॉर्मेट पे साइन होते हैं, सारी चीज़ों को देखा जाता है कि पाइपलाइन पूरी ओके है, सोर्स की स्थिति सही है, चैम्बर ठीक बने हुए हैं, कहीं कोई लीकेज नहीं है, टंकी का काम पूरा हो चुका है, सबवेल का काम पूरा हो चुका है। इस तरीके से उसमें कुछ चेकलिस्ट बनाई गई है। उस चेकलिस्ट पे जब सभी दोनों विभागों के लोग निरीक्षण करने के उपरांत साइन करते हैं तभी योजना हैंडओवर होती है। अभी कुछ जगह पर जो शिकायतें आ रही हैं उसमें देखा ये जा रहा है कि अभी जो जल जीवन मिशन का जो योजना है वो ऑन गोइंग है, अभी वहाँ पर योजना पूरी नहीं हुई है। इस वजह से कुछ ग्रामीणों लोगों का कहना रहता है कि अभी उनके यहाँ कुछ कुछ काम अधूरे रह गए हैं। तो निरंतर अभी योजना के काम जारी हैं और जहाँ जहाँ भी जो शिकायतें आई हैं उसमें तत्काल हमारे जो पीएचई के ई हैं और संबंधित जो सीओ जनपद हैं वो जाके विजिट करके और जो भी शिकायत है उसका ग्रामीणों के समक्ष में उस योजना के जो पहलुओं से अवगत कराते हुए उस समस्या का निराकरण कराना सुनिश्चित करें।